हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सबके बीच आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और बिल्कुल ये बिहारी स्टाइल में आज हम बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने आम ले लिया है, इसको अच्छे से सब छिलका उतार करके कट करके तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने कट करके तैयार कर लिया है। एक कढ़ाई रख देंगे, गैस को गैस ऑन कर दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और जीरा और लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल करके इसको अच्छे से छौंक लगा देंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल करके फिर इसको ढक देंगे अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए। देखिए, हमने ढक कर छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, सॉफ्ट हो गया। अब इसमें हम चीनी मिला देंगे और चीनी की मात्रा जितना आम है उतना ही चीनी का मात्रा हम करेंगे। तो जितना आम है उतना हम चीनी डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अच्छे से इसको ढक देंगे, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो देखिए, हमारा चीनी मेल्ट होने लगा है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से फिर से इसको ढक देंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो गया है और हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें अब हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ से डालने से बहुत अच्छा कलर इसमें आ जाएगा और अच्छे से मिक्स करके फिर से हम इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए, गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और कितना अच्छा इसमें कलर भी आ गया है। तो इसमें हम जीरा पाउडर और धनिया और लाल मिर्च साबुत इसको रोस्ट कर लिया था, इसको पीस करके पाउडर तैयार करके इसमें हमने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए, हमारा चटपटी चटनी खटमीठी बन करके तैयार हो गया है। आई होप कि आप लोग का हमारा ये आज की रेसिपी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।